क्या मस्त लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है एकदम शानदार। तो नज़ारे के साथ हम लोग अब ब्रेकफास्ट करेंगे। सच बताओ तो लीला का ये जो प्रॉपर्टी है ना, आई एम इन लव विद इट। और ये देखिए व्यू, इससे कातिल व्यू कुछ हो सकता है। ये प्राइवेट बीच एरिया है लीला का। सो आप देखिए व्यूअर्स, ये सारे गार्डन विलाज हैं और यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये लीला का खुद का वेजिटेबल एक गार्डन है आराम। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे इनके आयुर्वेदा सेंटर पे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ब्लॉग। तो पीछे आरती और हम अभी तैयार हो गए हैं। मॉर्निंग को अभी टाइम हो रहा है 9:15 और हम जा रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट करने के लिए। और हम उठे थे लगभग 8 बजे, तो हम पूरे नहा धो के एकदम मस्त रेडी हो चुके हैं। और जब मैं सुबह उठा था तो शानदार वाला नज़ारा जो मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता रखा है वो आप किया, क्योंकि अभी सुबह क्या है यहाँ पे है ना, इस तरफ सनराइज तो पीछे की तरफ होता है तो धूप नहीं आ रही है, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सुबह सुबह का जो ये मौसम और ये जो पूरा समुद्र दिख रहा है। ये भाई साहब यहाँ पे पता नहीं अकेले इधर नाव में क्या करने निकले, अपन के अंदर इतना डेयरिंग है नहीं कि अपन कर सकें। यहाँ पे हम जाएंगे अभी हमारा ब्रेकफास्ट करने के लिए और आज का देखते हैं प्रोग्राम क्या बनता है। क्या मस्त लग रहा है, एकदम ज़बरदस्त। मैंने देखा ये जैसे ये हैं ऐसे कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये दिख रहा है आपको कुछ, ये लोग ये जो हैं ये पता नहीं इतने अंदर जाके मछलियाँ पकड़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं। पर सच में क्या मस्त लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है एकदम शानदार। तो आइए चलिए ब्रेकफास्ट पे। तो हम लोग जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट करने, इस शानदार व्यू के साथ हम हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे। देखिए आप, तो यहाँ है हमारा ब्रेकफास्ट सेक्शन रॉयल क्लब रूम वालों के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे ब्रेकफास्ट बफे में। ये देखिए, ये क्या है, ये नीलगिरी चिकन कुरमा एंड चिकन सॉसेज, दिस इज रवा उपमा एंड वेजिटेबल स्ट्यू, ग्रीन पीस करी एंड ये दिया पम सांबर। यहाँ पे देखिए वाटरमेलन जूस और कोल्ड कॉफी है। तो यहाँ पे देखिए मेदू वड़ा है और ये तीन तरह की चटनी है। ये है छोले, ग्रिल टोमेटोस और ये है हैश ब्राउन पोटेटोस, दिस इज बेक्ड बीन्स एंड मिक्स वेजिटेबल। यहाँ पे आप ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं। And there is mango milkshake also. So इस मस्त नज़ारे के साथ हम लोग अब ब्रेकफास्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ कूल डेजर्ट्स भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में लाइव काउंटर की आइटम्स भी अवेलेबल है। हमने छोले भटूरे लिए हैं और ये पनीर पराठा विद दही लिया है, ऐसे आलू पराठा भी मिल जाएगा और ये अचार है। बहुत अच्छा लाइव काउंटर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये हमारे साथ एक सरप्राइज़ हुआ यहाँ पे,
जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसी समय लीला का सारा स्टाफ आके हमें केक दिया और हमारी मैरिज एनिवर्सरी के लिए ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज़ उनका। खुद लीला इस होटल के मैनेजर यहाँ पर आए थे, तो इट्स वेरी वंडरफुल। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं और मैं सच बताऊँ तो लीला का ये जो प्रॉपर्टी है ना, आई एम इन लव विद इट। क्योंकि हम लोग इतनी जगह पे गए पर जिस तरह की मेहमान नवाजी, जिस तरह का, मतलब वो कहते हैं ना कि आपको जो फील देते हैं कस्टमर गेस्ट होने का एक, वो तो इन लोगों ने आज करवा दिया। और मेरे को पता चल, क्योंकि अभी हम लोग बैठे थे, वो सरप्राइजिंगली एक केक लेके आए। पूरा स्टाफ जो था वो हमारे पास आया, उसने हमें विश किया, हमने केक काटा तो उन लोगों ने हमारे को सब ने विश किया। इवन द मैनेजर ऑफ दिस होटल केम एंड टॉक टू अस। और आप देखिए अभी तो ऐसे, मतलब कि अच्छा लगता है। मतलब आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर कहीं जाओ और आपको अगर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाए तो उसका एक फीलिंग अलग होता है। सो आई वुड डेफिनेटली से मुझे अभी तक की इंडिया की सबसे बेस्ट ये प्रॉपर्टी लगी है। आरती मान रही हो ना? मान रही हूँ। और व्यू के मामले में तो जबरदस्त, मतलब सी व्यू है। सी व्यू के मामले में इस प्रॉपर्टी से बढ़िया प्रॉपर्टी कोई हो ही नहीं सकती इंडिया में, नॉट इवन इन गोवा एनी प्रॉपर्टी इज देयर। बिकॉज आप देखिए लुक मिलता है ऐसा ब्लू कलर का नीला पानी, आप देखिए। और ये प्रॉपर्टी ज़बरदस्त है एकदम। और ये रहा हमारा रूम ऊपर की तरफ यहाँ पर। तो अब रूम की बालकनी में थोड़ी देर हम बैठते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर रूम पे गए थे और रेस्ट करके अब हम सोच रहे हैं, यहाँ पे दो तीन मस्त जगह है अपने इस लीला के होटल के पूरे एरिया में, तो चलो उसे देख आते हैं। तो लाइब्रेरी से होते हुए लाइब्रेरी देखिए, इतनी शांत लाइब्रेरी में आप अगर कोई भी पढ़ाई करो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा माहौल में तो मैं यूपीएससी भी निकल सकता है पढ़ पढ़ के। बहुत ही बिग प्रॉपर्टी है व्यूअर्स। और अभी हमने प्लान बनाया कि अभी तो देखिए धूप बहुत तेज़ है बाहर, तो आज का हम सनसेट सोच रहे हैं, सनसेट के समय हम लोग स्विमिंग का एक्सपीरियंस लें। तो देखते हैं। और यहाँ देखिए शानदार नज़ारे। तो टुडे वी आर हैविंग विद अस मिस कीर्ति, शी विल शो अस व्यूअर्स जो भी ये प्रॉपर्टी है कैसा इसका इंटीरियर है। तो कल रात को हम आप लोगों को नहीं बता पाए थे क्योंकि है ना इतनी लाइट्स नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, पूरे 10 अवतार्स जो हैं उनकी फ़ोटोज़ हैं। तो आप देखिए लास्ट में जो 10वें कल की अवतार है उनका पूरा बता रखा है। एंड सी दिस लॉर्ड विष्णु जी का इतना अच्छा पूरा पिक्चर है विद दिस ब्यूटीफुल डेकोरेशन। सो आप इसका पूरा इंटीरियर देखिए, एंड दिस फ्लावर्स आर रियल एंड दे आर वेरी गुड इन स्मेल। और यहाँ पे आपका वेटिंग एरिया है पूरा। सो दिस इज होल एरिया, आप देखिए इसका कितना बड़ा पूरा इंटीरियर है, आप देख सकते हैं अगर। और ये बहुत एंटी ना आर्टिफैक्ट्स आप देखेंगे, पेंटिंग्स, ये हमने रात को पूरा देखा था व्यूअर्स। यहाँ पे भी आप देखिए आर्टिफैक्ट्स हैं। सो होटल इज ओवरऑल इंटीरियर वाइज ये बहुत ही अच्छा है। आप देखें सिटिंग काउचेस कैसे हैं सारे, प्लस अगर आप ये देखेंगे पूरा ये वाला एरिया, तो आप ये देखिए ये कैसा अच्छे से बैठने के लिए है। और सी दिस, हम लोग अभी ये बाहर आए और यहाँ पे देखिए ये प्राइवेट बीच एरिया है लीला का। और ये सारे रूम्स हैं, आप देखिए ये रूम्स की बालकनीज हैं।
ये देखिए आप, इनके रूम की बालकनी से यहाँ से आपको ये एरिया दिखता है, रॉयल क्लब रूम से आपको फुल सी व्यू दिखता है। तो ये पूरा आपका एरिया है, ज़बरदस्त मतलब की प्रॉपर्टी है और इसका ज़बरदस्त वो है सी दिस पेंटिंग। और यहाँ पे आपका मीटिंग रूम्स का है, अगर आप कोई अगर कंपनी के साथ, अगर आप कंपनी पर्पस से आ रहे हैं, आपकी मीटिंग है अगर, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक रोशनी करके ये है, ये भी मीटिंग रूम एरिया है अगर आपको कॉन्फ्रेंस अरेंज करनी है कुछ भी। तारा, दिस इज ऑल तारा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मीटिंग रूम। सो इफ यू आर कमिंग फॉर अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस समथिंग लाइक दैट इन विथ योर कंपनी, यू कैन कम एंड चूज दिस प्लेस, दिस इज द प्ले रूम। ये देखिए आप, प्ले रूम है और यहाँ पे छोटा सा एरिया है देखिए आप प्ले करने के लिए, और आप प्ले रूम के साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं इधर साइड में बीच व्यू। एंड सी, आपको अगर वीडियो गेम खेलना है तो वीडियो गेम खेलने के लिए भी यहाँ पर है। दिस इज स्मॉल लाइब्रेरी, रॉयल क्लब रूम में आप देखा होगा आपने बहुत बड़ी लाइब्रेरी। एंड सी दिस होल, ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए देखिए। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको हर जगह से इस तरफ बीच का व्यू मिलता है। मुझे ये एक बार डेफिनेटली खेलना है आरती। सो आप ये अभी हम बाहर आ गए वापस, इंटीरियर देखिए आप कितना शानदार इंटीरियर है। एंड देयर मैं आपको बताऊँ, कल हम आपको नहीं बता पाए थे, ये रेस्टोरेंट है हमारा जहाँ पे हम लंच और डिनर बफे एंजॉय कर रहे थे कल रात को भी। और ये देखिए व्यू, इससे कातिल व्यू कुछ हो सकता है क्या, इन्फिनिटी व्यू का मतलब। आप देखिए, मैं हमारे इधर रूम से तो एक अलग व्यू आता है, पर ये भी एक क्लासिक व्यू है। आप देखिए पूरा, सो दिस इज स्विमिंग पूल व्यू, दिस इज वन द बिस्त्रो। तो ये द बिस्त्रो करके हैं, यहाँ पर आप कुछ भी, अगर आपको शेक्स, स्मूथीज, कॉफ़ी, टी कुछ भी चाहिए तो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम, कहते हैं ना सीधे यार, अलग ही एकदम व्यू आ रहा है क्या। ये पूरा व्यू देखिए आप, वहाँ पे वो पूरा विष्णु जी के सारे 9 अवतार। एंड हियर द लीला कोवलम रवीस होटल वेलकम्स यू। सो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी गर्मी तो लगती है क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी आप मुझे देख भी पा रहे होंगे। एनीवेज, मिलते हैं आपसे थोड़ी वापस देर में। तो नाउ हम लोग व्यूअर्स देखिए गोल्फ कार्ट में बैठ गए हैं, एंड नाउ वी विल गो फॉर दिस प्रॉपर्टी का पूरा जो है ना, ये लीला का प्रॉपर्टी उसका शानदार वाला हम है ना अभी राउंड लेंगे। तो आपको बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। अच्छा लग रहा है आरती ठंडी। ये देखिए, हमने कल वो पिछले ब्लॉग्स में ये पूरा एरिया बताया था, ये है द स्काई बार। तो यहाँ पे तो शाम को महफिल जमती है, पूरी व्यू देखो अब सी का। और ये हम अभी बग्गी में जा रहे हैं, पूरा मस्त बग्गी गोल्फ कार्ट में देखिए, मस्त एकदम एंजॉय करते हुए शानदार वाला व्यू। सो ये रूम्स हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पर था ऊपर की तरफ। और ये देखिए ये चेयर्स, और ये शानदार वाला एकदम अलग ही व्यू है। रूम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इस तरफ देखिए ये बीच व्यू पूरा। तो ये द टाइट्स करके जो था उससे हम अभी बाहर आ गए, और अब हम जा रहे हैं, ये देखिए हमारे, हम जा रहे हैं अब ये गार्डन, इनके जो प्रॉपर्टी है गार्डन कॉटेज की उसके अंदर। तो ये पूरी अलग, इनकी अलग प्रॉपर्टी, और यहाँ पे देखिए गार्डन्स कैसे जबरदस्त है।
तो ये पूरी गार्डन कॉटेजेस वाला है, इधर भी आपको वाइब्स पूरी वैसे ही आएंगी। देखिए क्या जबरदस्त है, ये अलग ही है पूरे, मतलब ये तो बिल्कुल आपको गोवा स्टाइल टाइप का एकदम अब्रॉड वाली फील आएगी। दिस इज अ गार्डन विला फॉर रूम्स। सो आप देखिए व्यूअर्स, ये सारे गार्डन विलाज हैं और यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये एक कॉटेज में दो रुकने वाला सिस्टम है, आप देखिए ये सारे कॉटेजेस हैं। सो दिस इज ऑल्सो लीला प्रॉपर्टी और वो सामने भी पूरा लीला का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 68 एकड़ में है ये पूरी प्रॉपर्टी प्योर। ये वाले लीला गार्डन कॉटेजेस से वापस से हम लोग आ रहे हैं। हाँ ये कन्वेंशन सेंटर है लीला का, आप देख लीजिए। और यहाँ पे तो कल हमने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ टाइड्स बार है एंड बीच एक्सेस यहाँ से ही होता है। व्यूअर्स ये जो सामने की तरफ आप बीच के ऊपर देख रहे हैं ये ओशन सुइट है, ओशन व्यू सुइट रूम। सो बहुत ही सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर। तो ये बीच है पीछे की तरफ और हम लोग तो ये गोल्फ कार्ट में अभी जा ही रहे हैं। दिस रूम्स प्रीमियम सी व्यू रूम्स। लीला का खुद का वेजिटेबल एक गार्डन है आरामम एंड हियर खुद। इधर लीला अपना वेजिटेबल्स देखिए आप, जो भी वेजिटेबल्स हो वो सारा इसमें वो है ना खुद ये ग्रो करते हैं। तो सेल्फ सस्टेनेबल होटल है एक तरह से, देखिए आप कितना। ये चिली देखिए आप, चिली का पेड़ है देखिए ये पपाया, देखिए आप सी ये पपाया। तो ये वहां पे भी पपाया उग रहा है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे इनके आयुर्वेदा सेंटर पे। सी दिस, तो ये है यहाँ का आयुर्वेदा सेंटर। तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, स्पा सेंटर पूरा ये है, सीधा एंट्रेंस हियर एंड यहाँ पे आके आप आराम से चिल आउट कर सकते हैं। इधर भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं इस तरफ देखिए। तो वो पैरा सेलिंग, हाँ पैरा सेलिंग। हाँ जैक फ्रूट। सो बहुत ही नेचुरल है, ठीक शांत एकदम। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो आप अगर यहाँ पर आओ तो एकदम रिलैक्स करने आ सकते हैं। मतलब वो होता है ना कि लाइफ की जो सारी परेशानियाँ हों, जो भी आप काम कर रहे हो कुछ कर रहे हो तो थोड़ा उससे रिलैक्स होना चाहते हैं ना, तो यहाँ आइए दो तीन दिन रुकिए, यू विल रियली फील वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम आगे और जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। हमारी प्राइवेट गोल्फ कार्ट में आराम से घूम रहे हैं अभी और हमें ये पूरा साइट सीन कराया गया। और ये एक पैलेस है, कोवलम पैलेस। तो कहते हैं कि यहाँ पे ट्रेवनकोर
के किंग्स जो थे, किंग और उनकी फैमिली आती थी, अब तो ये लीला ने पूरा बाय कर रखा है। इसके अंदर एंट्रेंस उन्हीं लोगों के लिए है जो इसके अंदर रूम्स बुक कराते हैं। सो आप देखिए, मैं आपको अभी अंदर अलाउड नहीं है क्योंकि इट्स स्पेसिफिक फॉर ओनली दोज पीपल वो आर स्टेइंग हियर। तो देखिए आप पूरा अंदर कैसा है, ये देखिए। तो ये पैलेस है, यहाँ पे कोई फैमिली स्टे कर रही है तो उनकी गाड़ी, आपका ये मतलब पूरा आपका ही इलाका है ये पूरा। तो ये है लीला कोवलम पैलेस। तो बहुत ही अच्छा है, और ये नारियल के पेड़ों पे सब जगह नारियल है। कार पार्किंग की स्पेस यहाँ पे अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं, और यहाँ पे शायद इवनिंग में शायद कुछ फंक्शन है। हमारा टूर करके आ गए, ये मेन रिसेप्शन एरिया था, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये वो रेस्टोरेंट, और यहाँ पे ये हमारा क्लब रेजिडेंट्स, हमारे जो क्लब रूम्स हैं उनका एंट्रेंस तो यही है पूरा। सो इंटरेस्टिंग है। और बात बोलना चाहता हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पे आप आओ ना, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ, नाउ वी आर थिंकिंग कि ये तो इजीली आप इस रिजॉर्ट में 4 डेज रुकिए। सो इधर है ना, क्या है, ये होटल में बहुत ही अच्छी प्राइजेस पे आपको अलग अलग टूर करने मिलते हैं। तो त्रिवेंद्रम में आप अगर 4 आर्ट्स का, त्रिवेंद्रम में 2-3 टेम्पल जैसे पद्मा स्वामी टेम्पल और ऐसे उन्होंने नाम बताए थे, तो उनका एक 4 आर का आप विजिट कर सकते हैं, टेम्पल्स का, बीच का। तो वो आपको 4 आर्स का कुछ उन्होंने 4000 बताया था फॉर अ कपल। ऐसे एक 8 आर्स का भी होता है, और आप अगर है ना पुअर करके, यहाँ पे एक जगह पुअर POWER पुअर ब्लैक बैक वाटर, वहाँ पे आप क्रूज कर सकते हैं, उसका 6000 कुछ है 4 आर्स के लिए रहता है। वो भी ये सब होटल ही अरेंज करके देगा, यू आपको कोई टेंशन ही नहीं है, खुद आपको लेकर जाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। और इन मैं सच बता रहा हूँ, इनकी जैसी सर्विस नहीं है, मतलब नंबर वन देयर हॉस्पिटलिटी। इट्स लाइक मैं बताए सच बताऊंगा, मैंने इंडिया में हम लोग इतना घूमे, हमने आज तक ऐसी हॉस्पिटलिटी, इतनी बड़ी होटल हो के, इतना मतलब 5-स्टार कैटेगरी होटल है ये, और इतनी बड़ी होटल का हॉस्पिटलिटी का कोई जवाब नहीं है। मतलब दे विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू, आपको कुछ भी अगर इशू है ना, 2 मिनट में आपका रूम सर्विस से लेके आपका सब कुछ दे विल टेक केयर ऑफ। एक गार्ड से लेके, मैं आपको बता रहा हूँ, एक गार्ड भी जो है ना यहाँ का, वो भी आपको ऐसे मतलब वेलकम देगा ना कि आपको लगेगा यार आप ही मतलब किंग और क्वीन हो यहाँ के। सो वेरी गुड यार, है ना अरते, तो बहुत अच्छा रहा। अभी इस वीडियो को हम एंड करते हैं, लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको दिखाया था हमारी मॉर्निंग से पूरा ब्रेकफास्ट, और अभी हमने आपको थोड़ा सा टूर कराया होटल का और आसपास का। अब हम आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं, अगले व्लॉग में देखते हैं हम आपको और क्या दिखा सकते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। सो टिल देन, बाय बाय।